महाविकास आघाड़ी छोड़कर बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा बने डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता को चेताते हुए कहा कि सरकार में तीन पार्टियां शामिल हैं। अजीत पवार ने अपने तेवर उस समय दिखाए जब मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। दरअसल धुले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही अजीत पवार भी आए थे। मंच और आसपास शिवसेना और भाजपा के झंडे लगाए गए थे। इसे देखकर अजीत पवार ने कहा कि अब तो यह सरकार तीन दलों की है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए और मंच पर एनसीपी के भी झंडे होने चाहिए। बीजेपी नेता गिरीश महाजन को याद दिलाते हुए अजीत पवार ने कहा, मैं गिरीश महाजन को याद दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा राज्य सरकार में तीन पार्टियां शामिल हैं, हालांकि मौके पर भाजपा और शिवसेना के ही झंडे हैं। कृपया अब ऐसे कार्यक्रमों में तीनों दलों के झंडे लगाना शुरू करिए। अजीत पवार ने बीजेपी नेता को चेताया तो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे से एनसीपी के झंडे भी रहेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन 25 साल पुराना है, इसीलिए उन दोनों के ही झंडे लगाए गए हैं। अजीत दादा, आपकी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, एनसीपी के झंडे लगाने में कुछ वक्त लगेगा ही, लेकिन आप चिंता ना करें, अब एनसीपी के झंडों को भी ऐसे कार्यक्रमों में लगाया जाएगा। गौरतलब है धुले के प्रभारी मंत्री और विधायक गिरीश महाजन की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने गिरीश महाजन की आयोजन की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया है, जो बड़ी बात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनसीपी अब इस सरकार की तीसरी पार्टी है। बता दें, गिरीश महाजन को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। इस कार्यक्रम में फडणवीस को भी आना था, लेकिन वह पुलिस के एक आयोजन में बिजी थे, जिसके चलते वे नहीं आ सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।